जिया अंदर में ढूंढ रही है जी मंगलसूत्र, लेकिन जिया को पता नहीं है कि मेरे हाथ में उसका यह मंगलसूत्र है। एक बार बोले हैं तुमको, ले तो नहीं लिया। कौन आता है घर में जो ले लेगा? फिर हार गया, हमको समझ नहीं आया। कहीं बाहर गई थी क्या मार्केट सब? मार्केट जाते तो गल्ला से कहां चल जाएगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी हमारा लग गया है खाना, तो देख सकते हैं आज बनी है चावल की रोटी। तो बड़ा मस्त लगता है चावल की रोटी खाने में, बहुत दिनों बाद बना है आज हमारे घर में। और याद है लास्ट टाइम जब खाए थे तो शायद हम चंडीगढ़ में थे, शायद उसी समय जिया ने बनाया था। उसके बीच में भी बनाया है कि नहीं मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन उस समय का स्वाद हमें बड़ा ध्यान है कि बहुत ही अच्छा लगा था। अभी एक दो टुकड़ा जो है खा भी चुके हैं और बहुत अच्छा लगा, एकदम घी डाल करके बना हुआ है, बड़ा मजा आया। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से कई लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जी जाइए जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। 2,98,000 सब्सक्राइबर तो हो ही चुके हैं, बस बचे हुए हैं वही 1500-1600 सब्सक्राइबर। जल्दी से हमारा 300 के सब्सक्राइबर कर दीजिए, एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। तो कैसा लगा ये चावल का रोटी? बहुत सुंदर हमको, और 5 किलो आटा खरीद, और 5 किलो आटा खरीद दे। चलो बढ़िया है, खरीद देंगे। तो खाओ, एक और रोटी मिल जाएगा। ठीक है, लेते आते हैं। फोन करो तब भी लगता है खाए नहीं, हो सकता नहीं। ठीक है, खाना होगा तो बता देना। क्रियांश है दादी के पास, दादी के पास खेल रहा है अपना। क्रियांश क्या कर रहा है? वाह, अब इसको सोफा कवर खाना है। यहाँ पर जितना कपड़ा जितना आइटम है सब क्रियांश खाएगा, है ना? सब कुछ खाएगा ना। The next day, ये देख सकते हैं हमारे क्रियांश जो हमारे निकालने सीखा है। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 6 और क्रियांश जो है सो करके उठ गया है। कब का उठ चुका है? 5 बजे। ये टाइम पे उठता है, कोई उठे कि ना उठे। बिल्कुल, ये अपने टाइम पर उठ जाता है, है ना? ओए, और जो है ना आवाज निकालने सीखा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और क्रियांश जो है नीचे है और नीचे से जो है उसकी आवाज आ रही है हंसने की, चीखने की। आजकल जो है नया आदत सीखा हुआ है, जोर से चिल्लाता है, जोर से चीखता है। उसको जाकर के नीचे से लेते आते हैं क्योंकि पापा को भी अब तैयार होना है, कोर्ट के लिए निकलना है। और वह जब तक रहा वह तो तैयार होने देने से रहा। और यहाँ जो है जिया खाना तैयार कर रही है। अब क्या बन रहा है? आलू गोभी, आलू गोभी की सब्जी, दाल रोटी, चावल, आंवला और धनिया की चटनी। अच्छा वेराइटी है आज, तो जल्दी से बनाया जाए। मुझे भी डैडी जो है कुछ देर बाद नहा के आएंगे ही, उनके खाने का समय। आपके कारण लेट हो गया सिर्फ। मेरे कारण क्यों लेट होगा? आप आलू लाके दे ही नहीं रहे थे, खत्म हो गया। आलू लाने डैडी गए ही थे। 20 minutes later. तो अभी जो है कुछ पार्सल आया हुआ है तो जिया इसको कर रही है अनबॉक्स। और यहाँ जो है अपनी दादी के साथ है, एकदम तहलका मचा करके रखा हुआ है, है ना? आए ऊपर थोड़ा देर आराम करेंगे, लेकिन लौट के ही आ जाता है। ये दादी के इर्द गिर्द ही रहेगा हमेशा, है ना क्रियांश? हाँ बस दादी और दादा। तो इसको खोला जाए, देखते हैं क्या है ये। खोल खोल के देख रहे हैं क्या है। ये क्रियांश का फोटो है। वाह क्रियांश, कौन है क्रियांश? ये क्रियांश कौन है? ये तो कैसा लगा माँ आपको? अच्छा, बहुत अच्छा है ना? अब जो है क्रियांश का ये फोटो जो है घर में लगा देते हैं, उस रूम में लगा देंगे। उसी रूम में लगा देंगे। चले जी, क्रियांश तो सो गया है, अपना भोजन पानी कर लिया है, ऊपर में जाकर के लेटा देते हैं और फिर उसके बाद जो है अपना जो काम है उसको पूरा करते हैं। तो पापा हो गए हैं जी तैयार, तो पापा को जाते हैं, कोर्ट छोड़ करके आते हैं। छोड़ दिया जी पापा को कोर्ट के पास और रुक गए हैं थोड़ा पार्क के पास। और यहाँ जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ दोनों साइड जो है रोड के दोनों साइड शेड है और हल्की फुल्की धूप है और ठंड भी हल्की फुल्की है, तो काफी ही सुहावना मौसम है और ऐसा ही मौसम हमेशा रहे, क्या मस्त रहे। ये तो हुई जी कहानी वाली बात। बारिश का भी अलग मजा है, गर्मी का भी अलग मजा है, हर मौसम का अपना एक अलग अलग मजा है। तो फिलहाल चलते हैं घर, घर चल करके अब हम नहाते हैं। क्रियांश जो अभी सोया हुआ है, कुछ देर में वह भी उठ जाएगा, उसको भी नहाना होगा, उसको नहा करके और फिर उसके बाद अपना जो भी बाकी दिन का काम है सब पर लगेंगे। तो
क्रियांश का नहाना हो गया, क्रियांश हो गया है तैयार और अब बारी है हमारे नहाने की, तो जाते हैं जल्दी आज से। आज को नहीं नहाए, मालिश कर दिए हैं, कपड़ा पहना दिए देगा, क्योंकि सोया जो अभी उठा है, सोची जब हम सोने गए तब, इसका हमेशा आदत है जब हम सोने जाएंगे ना तब उठ के तैयार हो जाएगा, जब मेरा सोने का टाइम खत्म हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तब नहीं सोएंगे, फिर सो जाएगा, तब उस समय सो जाएगा। देखो अभी ये कैमरा से भाग रहा है, फिर उधर घूम जाएगा, कितना भागेगा, अपने भाग रहा है, हो गया, अब हो गया, दोस्ती हो गया। चलो सबको बोल दो हेलो, कैसे हो आप लोग, मेरे पापा का चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और 300K पूरा कर दो, बोल जल्दी से क्या। और यहाँ देख सकते हैं हमारे ये बेटे का बेड है जिसपे अकेले महाराजा मेरे प्रियांश होते हैं, जिसमें पूरा चादर कोना कोना से खींच लेता है। और जब बीच में जी क्या हाल है उधर, अभी उस कोने में था तो लेटेस्ट अपडेट वही है, वहाँ से मालूम चल रहा है एक्टिंग करता है ये दादी के। वो ओए 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 देख अब देखो अंदर आ गई, अब नहीं बोलेगा इसके आगे, बोलो क्रियान साहब तुम्हारी एक्टिंग कोई और करता है। हमारा हो गया जी नहाना, आप सीधा चलते हैं नीचे क्योंकि क्रियांश की दादी जो है बुला रही है इसको जिया कर रही है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है क्रियांश, तो कोई भी उसको बुलाएगा, इतना चिल्ला रहा है कि दादी नीचे सोई थी। हाँ ठीक है चलो दादी के पास अब, ठीक है दादी को देखते ही देखिए खुश जो है, ये देखिए ये क्यों हल्ला करते हैं आप, हल्ला ऐसा ऐसा नहीं खतरनाक हल्ला करता है, चलो मैं अच्छे लड़के हो फिर वहाँ जाकर ऊपर बदमाशी क्यों करते हैं बेटा, क्यों करते हो बता, कैमरा देख के भाग जाता है उधर, जान लेके भागता है। क्रियांश जो है अपना कुछ देर रह लिया दादी के पास, अब खा रहा है ऊपर जाएगा ये, इसका काम कौन है ऊपर से नीचे नीचे से इसको इसको जो है गोद चेंज होते रहना चाहिए, जगह चेंज होते रहना चाहिए, दादा के बनल तो मंजिला छे अब सोच रहा है दादी बीमार है, बाबा घुमा है तो नहीं है ना। कौन घुमाएगा हम लोग, फायदा नहीं, कहाँ जाते हैं हम लोग, दादा को था है दो मंजिला, इसलिए हम लोग कहाँ जाते चले। हाँ चलो नीचे सबसे चल गया ना क्रियांश, बहुत मेहनत करता है बेचारा, इसके पास चप्पल भी नहीं है, है ना क्रियांश, पापा का चप्पल देखा है, पहना है क्या पापा का चप्पल, देखा चप्पल पहनेगा। जिया अंदर में ढूंढ रही है जी मंगलसूत्र, लेकिन जिया को पता नहीं है कि मेरे हाथ में उसका यह मंगलसूत्र है। होता क्या है जी, क्रियांश जो है बार बार जो है वह खींचता रहता है मंगलसूत्र को, तो जिया जो है खोल करके कई बार जो है रख देती है, और वह जो रख देती है कहीं भी रख देती है, उसको ध्यान नहीं रहता है कि कहां रखे हुए है, तो उसका जो है यह आदत जो है मुझको खत्म करना है, और सोचा कि उसके लिए एक ही तरीका है, एक बार थोड़ा उसको अच्छे से परेशान किया जाए, फिर उसके बाद जो है वह ढंग से रखेगी और याद से रखेगी। फिलहाल जो है जिया ढूंढ रही है, जिया को बिल्कुल पता नहीं कि वह जो मंगलसूत्र है मेरे पास में है, और जो बड़ा मंगलसूत्र है वह तो चलिए बैंक लॉकर में है, नहीं तो अगर मान लीजिए कि यहाँ भी रहेगा इस तरह से तो सही बात तो नहीं है वह, तो ऐसा करते हैं चलते हैं और थोड़ा सा मजे लेते हैं। क्या ढूंढ रही है, बउआ परेशान कर रहा है, कहाँ रखे थे, नहाते समय खोल के रखी है, कहाँ रखी, कहाँ रखे तो याद रहता तो खोज ही लेते, बहुत बढ़िया, जहाँ मन तहाँ हमेशा रख देती है, कितना बार बोले हैं कि ढंग से रखा करो, एक बार बोले हैं तुमको, तो ले तो नहीं लिया, कौन आता है घर में जो ले लेगा, इधर गया समझ, कहीं बाहर गई थी क्या मार्केट सब, मार्केट जाते तो गल्ला से कहाँ चल जाएगा, गिरा होगा वहीं पर, हो सकता है कोई ले लिया हो, आपको तो ऐसी यही कहीं होगा, ढूंढ के देखो ना अच्छा से ढूंढो, उसमें देख ली गोदरेज में, गोदरेज में रखने नहीं किए, ये क्या कहते बेड के नीचे देख ली थी, बेड के नीचे कहाँ जाएगा, बेड के नीचे सभी देख लो एक बार, हम ये इसी में रखते हैं, नहीं तो उसमें रखते हैं, देख लो ना एक बार, वहाँ भी हो सकता है गिर गया, तुमको ध्यान नहीं हो, किसमें, ये पलंग सब के नीचे, आपको अपना सामान मिलता नहीं है दूसरे का, हमको अपना सामान क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाता है, पहले ढूंढो अपना, इतना महंगा चीज है और इतना लापरवाह है तुम इस चीज को लेकर के, हद है लेकिन तुम्हारा, इसको संभाल लिया हम, पकड़ते हैं खोजो इसको। A few moments later. जिया जो है ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी है, लेकिन उसको जो मिल नहीं रहा है, आखिर मिलेगा भी कैसे, वो हमारे पॉकेट में जो है यहाँ पर, तो अब ऐसा करते हैं अब ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है इतना ज्यादा परेशान होते हुए, और सीधा चलते हैं अंदर, तुम्हारा मंगलसूत्र हम ढूंढ के दे देंगे, क्या देगी बदले में, अपना तो सामान ढूंढ नहीं पाए।
तो तुमको मिल सकता है, जान लो। आप ही चुरा के रखे होंगे। सही पकड़े हैं। हम कल चुरा के रखेंगे। रखे ही होंगे। हम कल रखे पहले से बोल रहे थे आप। हम तो ढूंढ लेंगे। नहीं आप दीजिए, आप ही चुरा के रखे। हम रखे ही नहीं, चुरा के वैसे ही अब तुमको मिलेगा। चुरा के रखे हैं तुमको मिलेगा। पापा रखे नहीं, क्या झूठों का परेशान करते तुम्हारे पापा। अब नहीं मिलेगा तुमको फिर। आप ही रखी है, क्लियर है, कल से पता चल रहा है। अब तुमको मिलेगा नहीं, बोल दो पता चल। तुमको नहीं मिलेगा, जल्दी से 500 रुपया दो। 500 रुपया आप ही के पर्स से निकाल के देंगे। हाँ हाँ जल्दी से दो 500 रुपया आप ही के पर्स से। मैं पर्स से नहीं, फोन पे कर दो। फोन पे का जमाना है, पड़वा जैसा कहीं कहीं रखी रहती है। वो था वहाँ तकिया के नीचे। तो क्या हो गया, तकिया के नीचे था? तकिया के नीचे सही था ये। ये आपका बेटा खींच लेता है। तो खींच लेता है तो उसको सीधा गोदरेज में रखेगी, किसी पर्स में रखेगी, कैसे छोड़ देगी तू? तो हम पहनते हैं। जिया का जो है मंगलसूत्र उसको मिल गया है। सोचे की आज जो है इसको एक बार थोड़ा सा मजा चखाया जाए, क्योंकि जहाँ मन तहाँ रख लेती है। और मेरा जो सामान है सच में जी कई बार खोता रहता है, तुम उसको ताना देती रहती है कि आपका सामान हमेशा खोता रहता है, हम ढूंढ के देते हैं। तो सोचे आज जो है इसको थोड़ा सा मजा भी चखा दिया। इसलिए जो है सामान चुरा के दे देंगे। तो वैसा करते हैं, जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।